मृत्यु के बाद पुनर्जीवन, भारतीय नौसेना हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, पीटी ऑफिसर विश्वनाथन के सिर में गंभीर चोटें आती हैं, उन्हें सर्जरी के बाद मृत घोषित कर दिया जाता है, मुर्दा घर में 12 घंटे रहने के पश्चात उन्हें फिर से जीवन मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जेके। अपनी पुरानी कहानी, सच्ची रोमांचक कहानी को पुनर्जीवित कर रहा हूं आज। कृपया अपना बहुमूल्य समय जरूर दीजिएगा। विक्रांत जलपोत से भारतीय नौसेना का चेतक हेलीकॉप्टर उड़ान भर। चेतक समुद्र पार कर चुका था, बस पहाड़ी को पार करते ही जमीन को छूना था। तभी अचानक जोरों की आवाज हुई और चेतक पत्थर की तरह पहाड़ी पर गिर पड़ा। चारों लोग अपने को मृत मान चुके थे, एक एक कर होश में आने लगे। लंबे सन्नाटे के बाद वहाँ हलचल होने लगी। अचानक सबको विश्वनाथन का ध्यान आया, जो कि सामने को पायलट के ठीक बगल में बैठा था और बेहोश। ध्यान से देखने में पता चला कि विशु के सिर के अंदर नियंत्रक यंत्र धंसा हुआ है और लगातार रक्त स्राव हो रहा। काफी समय दुविधा की स्थिति में रहने के बाद कप्तान ने विशु के सिर से एक झटके से कंट्रोल कॉलम को खींच निकाला। विशु के सिर से रक्त का फब्बारा मानो फूट पड़ा। काफी फुर्ती दिखलाते हुए एक साथी ने प्राथमिक चिकित्सा बक्से से रुई और गौज निकाला और विशु के गहरे यक में घुसेर दिया। बाकी बची पट्टी को विशु के सिर में पगड़ी की तरह लपेट दिया। थोड़े समय में रक्त स्राव रुक गया, सभी को थोड़ा चैन मिला। रक्त में नहाए लोग किसी तरह एक एक कर हेलीकॉप्टर से बाहर निकल आए। सबने बड़ी सावधानी से विशु को भी बाहर निकाला और ताजी हवा में लिटा दिया। उसके मुंह पर पानी के छींटे भी मारे गए। ठंडी हवा के झोंकों ने विशु को काफी आराम दिया और उसके शरीर में हलचल हुई। धीरे धीरे विशु ने आंखें खोली और तुरंत ही भांप लिया कि उसकी चोट सबसे गहरी है। फिर भी साथियों को जताने के लिए कोशिश की कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। विशु को थोड़ा बेहतर देख कप्तान ने कहा, विशु क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो? जोश के साथ विशु बोला, यस सर, बस 2 मिनट। विशु दुर्घटनाग्रस्त चेतक की ओर चला गया और अंधेरे में 4 बोल्ट खोलकर रडार से कंधे पर टांगते हुए कप्तान से बोला, सर इसे हम यहाँ नहीं छोड़ सकते। गहरी अंधेरी रात, ऊबड़ खाबड़ पतली जमीन, कटीली झाड़ियाँ, सारे अवरोध परीक्षा ले रहे थे। जैसे जैसे अंधकार छटा, रास्ते भी थोड़े आसान होने लगे। आखिरकार भटकते भटकते वो सड़क तक पहुंच गए। उन्हें देख सहायता के लिए फौजी जीप रुकी। उसी जीप में सभी कोचिंग के सैनिक अस्पताल पहुंचे। वहां सभी की मलहम पट्टी की गई और विशु के अलावा सभी को जाने की अनुमति दे दी गई। कोचिंग सैनिक अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने विशु का निरीक्षण किया और पाया कि उसके मस्तिष्क का बायां हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर कि विशु का इलाज वहां नहीं हो सकता, डॉक्टरों ने उसे कलकत्ता कमांड हॉस्पिटल भेजने का निर्णय लिया। अस्पताल के मस्तिष्क विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल सूर्य प्रकाश ने विशु को समझाया कि उसकी शल्य क्रिया कठिन और उलझी हुई है और ऑपरेशन के पश्चात उसे एक अंग खोना पड़ सकता है। मैं कठिन पहाड़ियों से चलकर आया हूँ, मैं आपको देख सुन समझ पा रहा हूँ, आपको उत्तर दे पा रहा हूँ, फिर ऑपरेशन कराकर एक अंग खोने की बात मेरी समझ से बाहर है। कहते कहते विशु की आंखें नम हो गई। डॉक्टर प्रकाश विशु की वास्तविकता से अनभिज्ञता को समझते हुए बोले, मैं एक विशेषज्ञ होने के नाते यही कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें इसी हाल में छोड़ दिया गया तो 72 घंटों के बाद कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब फैसला तुम्हें करना है कि 72 घंटों की छोटी जिंदगी या फिर एक अंग के बिना संपूर्ण जिंदगी। डॉक्टर के मुख से कड़वे सच सुनकर विशु का मानो खून सूख गया। बड़ी मुश्किल से बोल पाया, सर आप पर मुझे पूरा भरोसा है। डॉक्टर प्रकाश के नेतृत्व में बड़ी तेजी से ऑपरेशन की सारी तैयारी शुरू हो गई। मुंडन, एनेमिया, एनेस्थीसिया इत्यादि संपन्न कर दिए गए। डॉक्टर प्रकाश पूरी ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़े चले जा रहे थे, तभी एक कर्मचारी उन्हें रोका और बोला, सर आपके लिए फोन है। डॉक्टर थोड़ी नाराजगी से स्वर में बोले, कह दो मैं ऑपरेशन में व्यस्त हूँ। कर्मचारी फिर से हिम्मत बांध कर कहा, सर दिल्ली से प्रधानमंत्री के पीए का जरूरी कॉल है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई का जहाज जोरहाट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। डॉक्टर प्रकाश को ऑपरेशन छोड़कर जाना पड़ा। जाते ही डॉक्टर प्रकाश ने श्री मोरारजी एवं उनके पुत्र कांति भाई का निरीक्षण किया और उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ पाया। वहां के डॉक्टरों को कलकत्ता में अपनी व्यस्तता बता के बिना विलंब वहां से विशु के बारे में सोचते हुए निकल पड़े। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर प्रकाश सीधे विशु के पास पहुंचे।
दूर से ही उसके शरीर को रक्त एवं ग्लूकोज स्वीकार करते हुए देख उनकी जान में जान आई। उनके आदेश पर बिना विलंब ऑपरेशन की सारी तैयारियां संपन्न की गई। पूरे 17 घंटे तक विशु का ऑपरेशन डॉक्टर प्रकाश की कार्यकुशलता, अनुभव और धैर्य की परीक्षा लेता रहा। ऑपरेशन सफल रहा, सभी ने चैन की सांस ली, मगर अचानक देखा गया कि विशु के शरीर में रक्त देना बंद कर दिया है। डॉक्टर प्रकाश ने तुरंत नाड़ी और हृदय गति का निरीक्षण किया और डॉक्टर से गए तो बोले, ओ विशु, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। से विश्वनाथन को मृत घोषित कर दिया गया, उनके शरीर को मोर्चा घर भेज दिया गया, साथ साथ उनके अभिभावक पिता के नाम संदेश भेज दिया गया। एक लंबी थकान और मानसिक तनाव के बाद अपने घर भोजन कर गहरी निद्रा में चले गए। अचानक ही सन्नाटे को चीरती हुई टेलीफोन की घंटी घनघनाने लगी। तत्कालीन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु के पीए का फोन था, वो स्वयं बात करना चाह रहे थे। उधर से आवाज आई, मेरा मित्र मेघदत्त कार दुर्घटना में जख्मी हो गया है, मुझे बताया गया कि आप ही उसका जीवन रक्षा कर सकते हैं। डॉक्टर प्रकाश के नेतृत्व में अन्य डॉक्टरों के सहयोग से ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा था, लगभग पूरा होने ही वाला था कि अचानक जीवन का कोई लक्षण नहीं देख डॉक्टर प्रकाश ने अपना सिर पकड़ लिया। बौखलाकर बोले, अब कुछ नहीं बचा करने को, सब कुछ वापस रख। डॉक्टर प्रकाश टेबल पर सिर गड़ाए अपने आप को कोसते रहे, तरह तरह के प्रश्न उनके दिमाग में उभर रहे थे। 12 घंटों में 2 विफलताएं। डॉक्टर प्रकाश की चिंताधारा को तोड़ते हुए एक कर्मचारी आकर बोला, सर मेघदत्त जी के शव को 13 नंबर की सीट पर रख दिया है, कृपया पहचान करके मुर्दा घर के रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दीजिए। अनिच्छा से भारी कदमों के साथ डॉक्टर प्रकाश मुर्दा घर की ओर बढ़ने लगे। 7वें सेज को पार कर डॉक्टर को आगे बढ़ना था। 7वें सेज के शव का पैर जमीन पर लटका हुआ था। अपनी धुन में डॉक्टर प्रकाश आगे बढ़ रहे थे। पैर के सामने अचानक आई बाधा को बिना देखे जूते से ठोकर मारकर हटाना चाहा, तो उनके जूते की पतली कांटी शव के पैर में अटक गई। थोड़ा चिढ़कर डॉक्टर प्रकाश ने अपने जूते को वापस खींचा, मगर नीचे नजर पड़ते ही चौंक पड़े, अरे ये पैर मुड़ कैसे रहा है, ओह ये खून। झुक कर उन्होंने रक्त को छुआ और गीलेपन को महसूस किया। तुरंत नाड़ी देखी, वह भी मंद गति से चल रही थी। इतना रोमांच डॉक्टर की हृदय गति को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। तभी एक प्रश्न मन में कौन हो सकता है, एक झटके से उन्होंने सफेद चादर से ढके चेहरे को खोल दिया। उनके पूरे शरीर में मानो बिजली का झटका लग गया। अचंभित होकर चीख पड़े, विशु, मन में विचार कौन था, 12 घंटे पहले ही तो मैंने इसे निर्भित कर दिया। डॉक्टर काफी उत्तेजित होकर चिल्ला पड़े, 13 नंबर को बाद में देखूंगा, तुरंत 7 नंबर को ऑपरेशन थिएटर ले चलो। ऑपरेशन थिएटर में निरीक्षण के दौरान डॉक्टर प्रकाश ने पाया कि लंबे समय तक बर्फ में रहने के कारण विशु के शरीर का रक्त जमने लगा था। फलस्वरूप रक्त प्रवाह काफी धीमा पड़ चुका था। रक्त के सही बहाव के लिए विशु को गर्मी देना बहुत जरूरी। उसके अगल बगल 4 हीटर रख दिए गए। हीटर की गर्मी के साथ साथ जरूरी अंगों में गर्मी देने के लिए डॉक्टर प्रकाश विशु के विभिन्न अंगों को हथेली से लगातार रगड़ रहे थे और पसीने से नहा भी चुके थे। लगभग 4 घंटों के लगातार मेहनत के बाद विशु की नब्ज और हृदय गति सामान्य हो गई और रक्त बहाव भी ठीक हो गया। तो फिर से डॉक्टर प्रकाश ने विशु के मस्तिष्क को खोल दिया एवं बड़ी बारीकी से एक एक नस का निरीक्षण किया, मगर कहीं भी कोई दोष नजर नहीं आया। सारी घटनाओं से अनभिज्ञ विशु बिस्तर पर पड़ा था। अचानक उसके शरीर में गति हुई और होश आ गया। अचानक खुशी से उछल पड़ा। दरवाजे से प्रवेश करते डॉक्टर प्रकाश जोर से चिल्लाया, विशु क्या कर रहे हो, नसों पर जोर लगेगा। विशु साहित होकर बोला, सर सारे अंग सलामत हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार उन सूक्ष्म नसों को जोड़ने में थोड़ी भी चूक रोगी के 2 अंगों को निष्क्रिय कर सकते थे। डॉक्टर प्रकाश द्वारा की गई शल्य क्रिया के बाद रोगी ने अपने सारे अंग सुरक्षित पा लिए। लंदन के सर्जनों की सभा ने उन्हें स्वर्ण मेडल और प्रशंसा पत्र के साथ सम्मानित किया। भारत सरकार ने भी उन्हें एक साथ 2 प्रमोशन देकर सम्मानित किया। पीटी ऑफिसर विश्वनाथन को विदेशी मुद्रा सुरक्षा एवं गोपनीयता की दृष्टि से महत्वपूर्ण रडार यंत्र को निकाल लाने के लिए नौसेना अध्यक्ष की ओर से विशेष प्रशंसा पत्र दिया गया। विशु के लिए कुछ ही दिनों के अंदर दुर्घटनाग्रस्त होना, मृत्यु को छूकर वापस आना और आखिर में इतना बड़ा सम्मान पाना, सब कुछ एक सपना सा प्रतीत हो रहा। धन्यवाद दोस्तों इस कहानी को पुनर्जीवित करने में मुझे सहयोग देने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।